मुंह में घुल जाने वाला टेस्टी हलवा, ना कोई मावन लेकिन कलाकंद जैसे दानेदार टेक्सचर स्वाद, ना कोई कलर फिर भी लाल रंग कैसे। शादियों में तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन घर पर आसानी से हम इसको चार गुना शादियों वाले हलवे से टेस्टी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें लेनी है 2 किलो लाल गाजर। साथ में एक चीज का ध्यान रखना है, वो पतली होनी चाहिए। गाजर को धो के काट के कद्दूकस कर ले और फिर कढ़ाई में 2 चम्मच घी में कद्दूकस की हुई गाजर मिलानी है। 20 से 25 मिनट इसको हम मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे, जिससे हमारी गाजर का जो कच्चापन है वो दूर हो जाएगा। साथ में ही जब हम इस तरीके से हलवा बनाते हैं वो बहुत ही टेस्टी बनता है, तो एक बार ट्राई करें। 20 से 25 मिनट के बाद कुछ ये इस तरीके का दिखेगा। उसके बाद में हमें हाई फ्लेम पर इसको कुक करना है 8 से 10 मिनट, जिससे इसका जो पानी है वो बिल्कुल हट जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पर मिलाते हैं 1.5 लीटर दूध। दूध यहाँ फुल क्रीम ही लेना है आपको, यदि आप चाहते हैं कि आपका जो हलवा है वो दानेदार टेक्सचर का बने। मीडियम गैस पर लगभग 20 मिनट के बाद इसमें हमें ऐड करना है 30 ग्राम का एक मिल्क पाउडर का छोटा सा पाउच लें और वो ऐड करें। मिल्क पाउडर नहीं है तो दूध की मात्रा बढ़ा दें, आधा केजी कर दें उसमें। 2 केजी गाजर है तो 2 ही केजी आप फुल फैट दूध ले लें। इस तरीके से जब हम इस हलवे को काट काट के बनाते हैं तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है, और इसको बीच बीच में चलाते रहना है, नहीं तो ये लगने लग जाता है। उसके बाद जब ये सूख जाए तो इसमें हमें 20 ग्राम शुगर ऐड करनी है। और एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें आप मीठा अपने अनुसार ऐड करें, क्योंकि होता क्या है कि कोई कोई ज्यादा मीठा खाता है, इसलिए आप इसमें थोड़ा सा मात्रा बढ़ा दें। ये जो हलवा है राजस्थान में महाशिवरात्रि पर बनता है, वैसे तो हर घर में बनता ही रहता है लेकिन महाशिवरात्रि पर इसको जरूर बनाते हैं। तो चलिए अब इसके ड्राई फ्रूट्स का तैयारी करते हैं जब तक इसका दूध सूखता है। और पानी, यहाँ पर मैंने किशमिश, पिस्ता, चिरौंजी, बादाम, काजू की टुकड़ी, नारियल, ड्राई फ्रूट्स आपको जो पसंद है आप वो ले सकते हैं, बाकी स्किप कर दें। 1 चम्मच हमें घी लेना है और इनको अब हमें करना है हल्का सा फ्राई। तो एक एक करके आप सारे अपने ड्राई फ्रूट्स को कर सकते हैं, या मेरे साथ जैसे मैं एक साथ इनको ऐड कर रही हूँ इस तरीके से भी। इससे जो है थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है हलवे में, तो आप इस तरीके से हल्का सा इनको रोस्ट कर लें। ज़्यादा टाइम नहीं करना है, लगभग लगभग 1 से 2 मिनट में ही हो जाता है। उसके बाद में आप इसमें लास्ट में चिरौंजी ऐड करें। बहुत लोगों को हलवे में चिरौंजी पसंद नहीं है तो वो स्किप कर दें। बहुत लोग इसमें पिस्ता भी खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पूरा जो कुछ होता है ड्राई फ्रूट्स वो सारा इसमें डाला जाता है। तो जैसे ही चीनी का जो पानी है वो सूख जाए उसके बाद हम यहाँ ऐड करेंगे और इसको रिच बनाने के लिए 2 चम्मच घी। घी से क्या होता है कि एक अलग ही इसमें शाइनिंग आ जाती है और ये देखने में भी बड़ा ऐसा लगता है चमकीला चमकीला, तो ये राज है हलवाइयों का। और यहाँ घी ऐड करने के 2-3 मिनट इसको चलाना है और उसके बाद में यहाँ पर हमें अपने ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं। तो मैंने नारियल को ऐड किया है कद्दूकस करके, 2 चम्मच मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर ऐड किया है, और फिर करना है हमें मिक्स। तो इस शिवरात्रि आप भी इसको ज़रूर बनाएं और शिव जी से प्रार्थना करें कि हमारी भक्ति बढ़े और हमारी साधना अच्छी हो, क्योंकि वो वैष्णव राज हैं। तो इस तरीके से बस हमें इसको मिक्स मिक्स करना है। और यकीन मानिए, ये जो दादी नानी वाला जो तरीका है ना हलवा बनाने का, वो ही अच्छा है। कुकर में बनता है लेकिन वो टेस्ट नहीं आता है। अब इसमें हमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं अपने, और उसके बाद इसको करना है मिक्स। और एक चीज का ध्यान रखें, जो हलवा है उसको जब हम बनाते हैं गाजर को, तो वो धीमी आंच पर पकेगा ना, उतना ही वो टेस्टी बनता है। तो अब आप देखिए आपको कैसे कुक करना है। टेस्ट के लिए तो अब आपको थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ेगा, क्योंकि हलवा खाना है ना गाजर का। सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद इसको आती है ऑफर करने की बारी। तो पहले आप ऑफर करें
भगवान को और उसके बाद ही आप प्रसाद रूप में लें। तो इसमें से हम कुछ तो ऑफर करेंगे अपने जगन्नाथ जी को और बाकी को हम शिव जी के लिए भी रखेंगे, क्योंकि महाशिवरात्रि पर ये हलवा बनेगा। और देखिए ये देखने में कितना रिच लग रहा है और खाने में भी सच में, तो एक बार आप इसको जरूर ट्राई करिए और अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय जगन्नाथ।